नाग पंचमी के पावन उपलक्ष पर ज्वालानगर में कालसर्प दोष निवारण के लिए एक पूजा की गई, जिसमें 31 परिवारों ने भाग लेकर कालसर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना की, जिस दौरान हवन पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कहते हैं कालसर्प दोष अगर किसी के ऊपर लगा हो तो तमाम तरह की बाधाएं जीवन में आती हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा समय होता है। वैदिक आचार्यों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। जी, ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ नाग पंचमी पे कालसर्प दोष निवारण यज्ञ होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष होता है, कालसर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं। अनंत कालसर्प दोष होता है जो दिमाग पे अटैक करता है, जो तक्षक कालसर्प दोष होता है वो रोगों से ग्रसित कर देता है, जो घातक कालसर्प दोष होता है वो परिवार में दुश्मनाई बना करके रखता है, क्लेश बना करके रखता है, जो विषधर कालसर्प दोष होता है व्यक्ति को बहुत चिड़चिड़ा बना देता है, कोई भी काम उसके नहीं होने देता है। तो यानी जो कालसर्प दोष होता है जीवन में एक ऐसा अभिशाप होता है व्यक्ति के, उभरने नहीं देता। व्यक्ति मेहनत करता है, 100% लाभ मिलता है उसको, 10 या 20%, और जब कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है तो वही कालसर्प दोष की वजह योग बन जाता है, अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो उसी की शांति के लिए नाग पंचमी पे ये प्रतिवर्ष होता है। पूर्व दिल्ली के श्रेष्ठ